सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे सबके सब? आज की वीडियो में बात करने वाले आप सभी के यूट्यूब ग्राम्स के नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में, और आपकी जो फीस लगने वाली है वो कौन सी वाली फीस है, फर्स्ट ईयर की फीस है या फिर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले थोड़ी बहुत ध्यान में रखने वाली बातें कि आप सभी को जिस बच्चों को कॉलेज मिल गया है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जिस बच्चों को कॉलेज मिल गया है उन बच्चों को अब जो है फीस पेमेंट कर देनी है। फीस इज़ कंपल्सरी फॉर द एवरीवन, ठीक है, जिनको कि सीट मिल गया है, ठीक है, जिनको सीट नहीं मिली है उनके लिए कोई भी कंपल्सरी जो है वो नहीं है, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। और जो भी फीस ये लग रही है ये सिर्फ और सिर्फ सीट को रोकने के लिए है, आपकी एलोकेशन के लिए, ठीक है, बाद में ये बैलेंस फीस के रूप में आपसे पूरी की पूरी फीस ली जाएगी, ठीक है। बैलेंस फीस के बारे में डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में थोड़ा सा एक दो मिनट के बाद, बस ध्यान से सुन लो इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। फीस भरने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, फीस भरने के बाद अगर किसी को कॉलेज पसंद है, ठीक है, सब मान लो मुझे जो है ये कॉलेज पसंद आ गया, ठीक है, पसंद आ गया, तो मैं क्या करूँगा इस कॉलेज को जो है वो फ्रीज कर दूंगा। फ्रीज भैया कब ऑप्शन खुलेगा, ध्यान से सुनना है, काफ़ी बच्चे मेरा दिमाग इस चीज़ में ख़राब करते हैं कि भैया फ्रीज का ऑप्शन नहीं आया, मैंने फीस पेमेंट कर दिया है, अभी तुरंत पेमेंट करी है और मुझे फ्रीज का ऑप्शन नहीं आया। तो भाई आपको ऑप्शन नहीं आएगा, कम से कम आपको फीस पेमेंट करने के 24 से 30 घंटे बाद ही आपके पास ऑप्शन आएगा, ठीक है। 24 से 3 घंटे बाद अगर आपका वेरीफाइड हो जाता है स्टेटस, ठीक है, अगर आपका वेरीफाइड हो जाता है स्टेटस, वेरिफिकेशन स्टेटस माय प्रोफाइल में जाके आपको दिख जाएगा, जहाँ पे समरी होती है आपकी, ये आपका नाम हो गया, ये आपका रोल नंबर हो गया, ये आपके कौन से कोर्स के लिए आपने अप्लाई कराया, यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेटस जो होता है यहीं पर आपका वेरीफाइड आ जाता है, ठीक है। अगर वेरीफाइड आ जाता है तो वेल एंड गुड, आपका फ्रीजिंग का ऑप्शन खुल जाएगा। बाई चांस अगर वेरीफाइड का ऑप्शन नहीं आता है तो उसमें पेंडिंग करेक्ट का आ जाएगा, और जो उसमें चीज़ बोला होगा वो चीज़ आपको अपलोड करनी होगी, पेंसिल बटन यहाँ पर खोल देंगे और वहाँ पे अपलोड होगा। बाई चांस अगर किसी का कैंसिल एंड कैटेगरी आता है, कैंसिल एंड करेक्ट कैटेगरी वाला, तो उस केस में उस बच्चे का नेक्स्ट राउंड में आपका जो है वो जनरल कैटेगरी में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बच्चा गलती कर देता है अपने SC ST SC OBC सर्टिफिकेट में। जनरल वालों को ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है जनरल वाले बच्चों के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें आपकी नेक्स्ट, तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो गई मान लो, उसके बाद आपका सीट एंड फ्रीजिंग का ऑप्शन है, जिसको सीट पसंद आ गई उसको क्या कर देना है, फ्रीज कर देना है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट राउंड के लिए फ्रीज कर देना है, तो आप यहीं पर रुक जाओगे, आपका वो कॉलेज निश्चित हो जाएगा। बाई चांस किसी को अगर नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग करनी हो, जिनको कॉलेज पसंद ना हो फर्स्ट राउंड में, उनको सेकंड राउंड के लिए काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपको फीस भरनी पड़ेगी फर्स्ट राउंड की, उसके बाद सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो 16 तारीख से स्टार्ट है, तो 16 तारीख को जस्ट दैट्स इट, आपको क्या करना है, आपको यार काउंसलिंग कर देनी है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करनी। यहाँ पे काफ़ी बच्चे का दिक्कत ये कर रहे हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा, आपके यार जो भी कॉलेज मिला है वो आपके कॉलेज के प्रेफरेंस से मिला है। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं भैया मुझे द्वारका चाहिए थी, मिल गई मीराबाई, ठीक है यार, मीराबाई को ऊपर रखोगे तो मीराबाई ही मिलेगी, द्वारका थोड़ी ना मिलेगी, तो इसको क्या करना है, द्वारका को ऊपर कर दे रहे हैं नेक्स्ट राउंड में, ठीक है। और नेक्स्ट राउंड की ये जो नेक्स्ट राउंड में आपको जो भी कॉलेज मिलेगा ये वाला फर्स्ट कॉलेज आपका रहेगा, अगर आप फीस पेमेंट कर देते हो तो ये कॉलेज कहीं नहीं जाएगा, आपको यही कॉलेज रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपका 21 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा सेकंड राउंड का, उसके बाद सेम प्रोसेस आपका फॉलो हो रहा होगा। यहाँ पे न्यू बच्चों को यहाँ पे फीस भरनी पड़ेगी, और अन्यथा जो यहाँ से ये वाले बच्चे आ जाएंगे, फर्स्ट राउंड वाले जो बच्चे आ जाएंगे उनको कोई भी फीस भरने की जरूरत नहीं है, वही वाली फीस ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। बैलेंस फीस की बात करें तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ कि बैलेंस फीस होती क्या है और आपकी फीस स्ट्रक्चर क्या है। तब तक ले चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शाम साथ, जय हिंद दोस्तों।